हेलो गाइस, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि जैसे कि यूट्यूब चैनल को गूगल से वेरीफाई कैसे करें अपने मोबाइल नंबर दे के, तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के भी दबा लीजिए, लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू कर देते। तो फिर आप सिंपली चले जाइए क्रोम ब्राउज़र पर, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब के खोलने के बाद आप यहाँ से चले आइए माय चैनल। जैसे कि मैं यहाँ थ्री लाइन से क्लिक करता हूँ माय चैनल, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद माय चैनल पे आ जाते हैं। माय चैनल पे जाने के बाद तो फ्रेंड्स अपने चैनल पे लोगो का क्लिक कीजिए। लोगो पे क्लिक करने के बाद क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आना है चैनल पे। चैनल पे आने के बाद आपको चले जाना है अंदर। देखिए आके आ गया वेरीफाई का, तो उस वेरीफाई पे आप क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर है वेरीफाई, ऊपर पे दिखाई दे रहा है। देखिए आपको मेरे फोटो के सामने वेरीफाई, वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। टैक्स मी द वॉचिंग कोड, उसी पे आपको अपना नंबर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर टाइपिंग करना है यहाँ पर जो वेरीफाई कर रहे हो। आप अपना 10 डिजिटल का मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, और डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। करने के बाद एक OTP आएगा, जैसे कि यहाँ पर 6 डिजिटल का होगा। देखिए मेरा OTP आ चुका है। अब मैं ये OTP को यहाँ पर डालेंगे और OTP डाल के आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। आपका वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि मैं इस चैनल पे वेरीफाई किया हूँ अपना वाला खुद का, तो देखिए सबमिट कर दिया हूँ। अब वेरीफाई कंप्लीट, तो मेरा वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया है। तो फिर वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है मेरा ऑलरेडी। अब मैं इस थंबनेल लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले वेरीफाई जब तक नहीं होगा तब तक आपका थंबनेल नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो मैनेजर पे चलते हैं। तो वीडियो मैनेजर पे जाके आप अपने जो मैं अभी वीडियो डाला हूँ वो वीडियो क्लिक किया एडिट पर। जैसे एडिट किया इन्फॉर्म सेटिंग पर किए, और वहाँ पर जाने के बाद कस्टमाइज थंबनेल पर हम क्लिक किए हैं। वहाँ पर जैसे कि मैं कस्टमर टेम्पल पे क्लिक किया, उसके बाद फाइल पे जाए। अब फाइल पे जाने के बाद मैं अपना जो गैलरी से फ़ोटो है वो फ़ोटो को मैं ले लेता हूँ थंबनेल के लिए, जो मैं थंबनेल ऑलरेडी बना के रखा हूँ इस वीडियो के लिए। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा अपलोड हो रहा थंबनेल। तो थंबनेल अपलोड होते ही मेरा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए आप, मेरा अभी पूरा थंबनेल कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल अपलोडिंग। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपना चैनल पे कि मेरा थंबनेल ऑलरेडी लग चुका है। तो चलिए मैं आपको यूट्यूब पे ले जाते हैं। यूट्यूब पे आने के बाद माय चैनल पे आ गए। माय चैनल पे आने के बाद देखिए मेरा जो PC जैसा DJ बॉस्ट कैसे बनाए उसी वीडियो का है।